जहाँ पर हर किस्म की फैसिलिटीज मौजूद हैं, छोटे से लेकर बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर हो जाता है। और उन्होंने इसी वक्त ख्वाहिश का इजहार किया कि काश सारे हॉस्पिटल्स लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की तरह अगर वो खिदमत सर अंजाम दें तो मरीजों को अपने डिस्ट्रिक्ट में ही सहूलत डोर स्टेप पे मिल जाएगी और उनको ये सफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमिश्नर हैदराबाद नदीमुरहमान मेमन लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद के तफसीली दौरे के दौरान अस्पताल में फराहम की जाने वाली सर्विस का मयार और जदीद सहूलियात देख कर बेसाख्ता बोल उठे। के सिविल अस्पताल हैदराबाद हैदराबाद डिवीजन समेत गिरदोनावा के अजला की आवाम के लिए एक अनमोल तोहफा है जहां स्टेट ऑफ आर्ट सहूलियात मौजूद हैं। कमिश्नर हैदराबाद नदीमुरहमान मेमन को लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जामशेरों के डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार जतोई ने लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद के शोभा इजाद का तफसीली दौरा करवाया। अपने तकरर के बाद सिविल अस्पताल हैदराबाद के पहले दौरे के दौरान कमिश्नर हैदराबाद नदीमुरहमान मेमन ने सिविल अस्पताल हैदराबाद में मौजूद सहूलियात और जदीद तरीन आलात देखकर खुशी का इजहार किया और कहा कि अमले की कमी के बावजूद अस्पताल में सहूलियात काबिले तारीफ हैं। मैं सब हैदराबाद के लोगों से इल्तमास करूँगा कि सिविल हॉस्पिटल एक बहुत पुरानी हॉस्पिटल है, उसमें सर्विस डिलीवरी का जो निज़ाम है वो बहुत बेहतर है। यहाँ पर हर किस्म की फैसिलिटीज मौजूद हैं, छोटे से लेकर बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा छोटे से लेकर बड़ा टेस्ट जो है यहाँ पर कंडक्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हर किस्म का वार्ड जो है वो मौजूद है, ओपीडी आपके लिए हर वक्त अवेलेबल है। तो मैं आप सब लोगों को सोशल मीडिया के इस चैनल से सब लोगों से इल्तमास करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर आएँ और अपने जो भी मरीज वगैरह हैं उनको दिखाएँ। और जहाँ पर अगर प्राइवेट अस्पताल में आपका यानी कि अखराज बहुत ज्यादा है तो वहाँ पर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से आपके लिए, हैदराबाद के रहने वालों के लिए और हैदराबाद के आसपास डिवीजन में जितने भी जिले हैं उन सब के लिए ये गवर्नमेंट की तरफ से एक तोहफा है। आज मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने विजिट किया स्पेशली ICU एंडोस्कोपी वार्ड, इसके अलावा पीट्स का और जो भी जितने वार्ड थे, तो मुझे यकीन जानिए कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पर हर किस्म के इक्विपमेंट्स मौजूद थे और डॉक्टर साहिबान जितने भी थे या टेक्निकल अफराद जितने भी लोग थे वो बिजी थे अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने में। मैंने पेशेंट से भी पूछा, उनका हाल अहवाल लिया तो वो भी बड़े मुतमिन नज़र आए। डॉक्टर कोलाची साहब, MS साहब और अब्दुल सत्तार जतोई साहब या दूसरे डॉक्टर साहिबान मिलजुल कर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी दुआएं इनके साथ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। मेरी तरफ से इनको हर वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिलती रहेगी। लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जामशेरों के डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार जतोई ने कमिश्नर हैदराबाद नदीमुरहमान मेमन के दौरे के हवाले से बताया कि आज कमिश्नर हैदराबाद मिस्टर नदीमुरहमान साहब ने लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद का विजिट किया। हॉस्पिटल के सारे अहम डिपार्टमेंट्स को उन्होंने पर्सनली देखा, डॉक्टर से डिस्कस किया, मरीजों से मालूमात ली, वहाँ पर मौजूद सहूलतों को देखकर उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया कि ये पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं, जहाँ पर 24 आवर्स ICU की, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की, डायलिसिस की, एंडोस्कोपी की सर्विसेज चल रही हैं, जहाँ पर मरीजों को एक रुपए का भी खर्चा नहीं करना पड़ रहा, हर मरीज को 100% मेडिसिन हॉस्पिटल से मिलती है, मरीजों को खाना हाइजेनिक तरीके से बाइज्जत तरीके से दिया जाता है, सारे मरीजों के पैथोलॉजी टेस्ट और एक्सरे CT स्कैन फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, ये किसी नेमत से कम नहीं। और उन्हें इसी वक्त ख्वाहिश का इजहार किया कि काश सारे हॉस्पिटल्स लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की तरह अगर वो खिदमत सर अंजाम दें तो मरीजों को अपने डिस्ट्रिक्ट में ही सहूलत डोर स्टेप पे मिल जाएगी और उनको ये सफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैलेसीमिया के मरीज जो कि दूर दराज इलाकों से आते हैं और हर जरूरतमंद बच्चे को इसी हॉस्पिटल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड मिलना एक वो कारनामा है जो कि किसी हॉस्पिटल में मुमकिन नहीं।
इसी हॉस्पिटल के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जिसमें सीसीटीवी है और रिकॉर्डिंग सिस्टम है उसी को भी उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि ये वो वाहिद हॉस्पिटल है जिसका एक इंच भी इसी सीसीटीवी कैमरा से अनकवर्ड नहीं। उसका फायदा ये हुआ है कि लोग अपनी ड्यूटियां बेहतर अंदाज में कर रहे हैं, का मरीजों को फायदा हो रहा है। तो हॉस्पिटल से चीजें चोरी की जाती थी, अब चोरी का इम्कान बिल्कुल जीरो हो गया है। इसी सारे मैकेनिज्म को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। पीट्स सर्जरी डिपार्टमेंट का तफसीली दौरा किया, उनको ये कहना पड़ा कराची के बाद ये वो वाहिद हॉस्पिटल है जहां पर ये इस किस्म की सर्विस मौजूद है। उन्होंने यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के लिथोटिप्सी मशीन को देखा जहाँ पर ऐसी मशीन लगी हुई है जो कि 2 सेंटीमीटर तक किडनी में मौजूद स्टोन को पाउडर करके क्रश कर देती है और इसी तरह मरीज को बगैर ऑपरेशन उसी से निजात मिल जाती है। इसके अलावा उन्होंने हमारी इनोवेटिव एडवांस सर्जरी डिपार्टमेंट को देखा जहाँ पर प्रोफेसर अरशद अबड़ो ने उनको ब्रीफिंग दी और ये बताया कि यहाँ के जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं वो बाहर की दुनिया के 8 मुल्कों के साथ कनेक्टेड हैं और जो सर्जरी यहाँ पर चलती है उसको 8 मुल्कों में वहाँ जा देखा जा सकता है। वहाँ पर भी एडवांस किस्म की सर्जरी, अगर मरीज सुबह को दाखिल होता है तो शाम को उसको छुट्टी मिल जाती है। इस हॉस्पिटल की ये सारी अचीवमेंट्स उस लेवल की हैं जिसकी ज़रूरत थी, वो कुछ अरसे के अंदर हमने इसको मेडिकल सुपरिटेंडेंट और मैंने और हमारी टीम ने मिल के बनाया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमारे कामों को देख के न फकत हमें अप्रिशिएट करती है बल्कि हमने मिनिस्टर हेल्थ और सेक्रेटरी हेल्थ को रिक्वेस्ट किया था। इसी साल उन्होंने एक कैंसर डिपार्टमेंट अप्रूव किया है, वो डिपार्टमेंट जामशोरों में इस्टेब्लिश होगा और जून के बाद उस पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। तो ये इसी हॉस्पिटल की अचीवमेंट है। तो हम कमिश्नर साहब के बहुत मशहूर हैं जिसने कीमती वक्त निकाल के इसी हॉस्पिटल को विजिट किया और हमारी हौसला अफजाई की और इस काम को देख के उनकी भी एक ख्वाहिश पैदा हुई है कि न फकत हैदराबाद शहर के हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव करने में वो किरदार अदा करेंगे बल्कि इसी डिवीजन के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं या तालुका हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं उन पे भी जाकर एफर्ट्स लेंगे ताकि गरीब मरीजों को सहूलत उनके घर पर मिल जाए। और उन्हें एश्योर किया है कि उनकी लेवल पे जो काम होगा इसी हॉस्पिटल का वो बहुत खुशी खुशी से हमारी मदद करेंगे। लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जामशेरों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुबशीर अली कोलाची ने कहा कि कमिश्नर हैदराबाद के दौरे और कारकर्दगी को सराहने से हौसला बढ़ा है। कमिश्नर हैदराबाद जनाब नदीमुर्रहमान मेमन साहब ने लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद का दौरा करना फरमाया और उन्होंने बड़ी तफसीली विजिट की जिसमें हमारे मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, नेफ्रोलॉजी, डायलिसिस सेंटर का तफसीली दौरा करने फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह जो इस दौरे के दौरान उन्होंने हमारे मुख्तलिफ ड्यूटी डॉक्टरों से भी सवालात पूछे, उनसे मरीजों के इलाज के मुतालिक पूछा, मरीजों से और उनके अटेंडेंट से यहाँ जो इलाज की सहूलियात मिल रही हैं उनके बारे में भी इस्तफादा किया और उनसे भी तफसीलात मालूम की। अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरे के बाद जो उन्होंने कमेंट्स दिए वो हमारे लिए बहुत खुशाइंद हैं, हौसला अफजा हैं, वो बड़े मुतमइन नज़र आए और हमारे सर्विसेज को उन्होंने तहे दिल से सराहा और उनकी तारीफी कलमात कहे। हम उनके इंतहाई मशकूर हैं, सिंध गवर्नमेंट के भी इंतहाई मशकूर हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के स्पेशली मिनिस्टर हेल्थ मोहतरमा अजरा फजल भिजो साहब, सेक्रेटरी जनाब जुल्फकार शाह साहब के, उन्होंने हर वक्त हमारे साथ तावन किया है और हमें इक्विपमेंट्स और दूसरे मामलों में हमेशा हमारी मदद फरमाई है। दौरे के दौरान डायरेक्टर ICU डॉक्टर काशिफ मेमन, AMS जनरल डॉक्टर शाहिद इस्लाम जिने जो, AMS जनरल डॉक्टर शौकत लाको, RMO जनरल डॉक्टर फैसल मेमन समेत दीगर मौजूद थे।